भिवानी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली, सीएम सैनी का संबोधन विजय संकल्प रैली में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर तंज कसा, कांग्रेस सरकार में काम नहीं होता था, ये बात सीएम नायब सैनी ने कही। बीजेपी की विजय संकल्प रैली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी के बवानी खेड़ा में पहुंचे, काफी संख्या में लोग मौजूद थे इस दौरान, महिलाएं पुरुष सीएम को सुनने के लिए। जब सीएम ने संबोधित किया और कांग्रेस पर भी इस दौरान वो निशाना साधते नजर आए। भवानीखेड़ा से मेरे सहयोगी संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, क्या और जानकारी कार्यक्रम को लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि भवानीखेड़ा की अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली जो की जा रही थी, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पधारे थे और उनके साथ में हिसार से लोकसभा जो उम्मीदवार हैं रणजीत चौटाला जी, और भिवानी से लोकसभा के जो उम्मीदवार है धर्मवीर सिंह, और राज्य मंत्री जो है विजेंद्र वाल्मीकि जी और जेपी दलाल जी। इस तरह से मंच को सजाया गया था कि यहाँ पे मंत्रियों और जिला अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं का मंच भरा हुआ था, और वहीं पंडाल में भी लोगों का भारी हुजूम लगा हुआ था। क्या कुछ सीएम ने इस दौरान कहा और कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे सुनने के लिए सीएम को? जी, हजारों की संख्या में पंडाल में लोग पहुंचे हुए थे सीएम को सुनने के लिए, और जिस तरह से ये पहली मुख्यमंत्री का पहला भवानीखेड़ा में आगमन था तो लोगों में एक जोश देखा गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने सीधा कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि जिस तरह से अब जो कांग्रेस की हालत है वो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनती जा रही है, न कि वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। जगह जगह से कांग्रेस हार रही है और वहीं कांग्रेस को अब अपनी जमीन तलाशने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम बातें यहां पर सीएम ने की और जमकर कटाक्ष करते हुए विपक्ष पर भी नजर आई। देखिए, लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और इसी की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है, और इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम जो है वो देखने को मिला। संकल्प भवानी खेड़ा में जब ये रैली आयोजित की गई तो सीएम नायब सैनी ने जनता के आगे कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते नजर आए नायब सिंह सैनी, और कहा कि कांग्रेस में कोई काम नहीं होता था, लोगों के काम नहीं हो पाते थे कांग्रेस के कार्यकाल में। ये तमाम बातें नायब सिंह देकर नायब सैनी का स्वागत किया गया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे सीएम को सुनने के लिए।